हम जानते हैं कि हम जो भी जिस जगह भी दस्तरखान लगाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वहाँ पर जितना भी खाना बन रहा है, ये दोनों तंदूर जो यहाँ पर भी लगे हुए 25-25 रोटी के तंदूर हैं, जो 3 मिनट में 25 रोटी निकालते हैं, ये सारा खाना लोगों को फ्री में बंटना है। आप आइए, बैठिए, खाना खाएं, जितनी देर में आप खाना खा रहे होंगे आपकी फैमिली के लिए पार्सल आपके बराबर में रखा हुआ होगा। हमारी कोशिश है यहाँ की जितनी भी गरीब बस्तियाँ, अगर यहाँ की कंपनीज हमारे साथ CSR में ताउन करेंगी, तो जिस तरह कराची में हमने 22 से ज़्यादा दस्तरखान हमारे इस वक्त चल रहे हैं, जिन्ना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, सिविल अस्पताल का कंटेनर रेडी हो गया, उसके अलावा कोरोना का जो एक्सपो सेंटर है 2-1.5 साल से वो हमारे पास है, कैंसर का बेहतर सुकून, उसके अलावा सोराब गोट चौरंगी, जौहर चौरंगी, जहाँ भी आप देखें JDC के दस्तरखान, वहाँ कोई भी टाइमिंग्स नहीं है। सुबह 8 बजे नाश्ता शुरू होता है जिन अस्पताल वाले दस्तरखान पे, शारे फैसल पर, शाइन कॉम्प्लेक्स पे, और रात को 9 बजे तक खाने का सिलसिला जारी रहता है। वही सब कुछ यहाँ पर भी होगा। मैं हमारे लिए बहुत अजियत की बात होती है जब हम सुनते हैं ये खबर कि किसी शख्स ने भूख की वजह से अपने बच्चों को जहर दे दिया, किसी औरत ने भूख की वजह से अपने बच्चों के साथ नहर में खुदकुशी कर ली। अगर वज़ीर आज़म साहब ने इस तरफ सोचा है तो ये बहुत अच्छा कदम है कि कम से कम लोग, इस मुल्क के लोग बेरोज़गारी की वजह से भूखे ना सोएं। लोग कहते हैं रोटी मत दो, इंडस्ट्री लगा दो। क्या एक रात में इंडस्ट्री लग सकती है? क्या एक रात में हम किसी शख्स को बोलें आज भूखे रहो, सुबह इंडस्ट्री लग जाएगी? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कम से कम लोगों तक रोटी तो पहुंचाएं जो लोग भूखे हैं, तो ये एक अच्छा कदम है और हम इसमें इंशाल्लाह साथ देंगे। देखें, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, ना मेरा सियासत से कोई ताल्लुक है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरे मुल्क में बेशुमार हज़ारों लाखों लोग एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं, तो क्या अब हमें इंतज़ार करना है कि वो दूसरे वक्त का भी खाना छोड़ दें? बहुत अच्छा कदम है, कम से कम लोगों तक रोटी पहुँचाएँ, वो सुकून से जाएँ अपना रोज़गार ढूंढें, वो सुकून से जाएँ अपने लिए रिस्क, हलाल रिस्क तलाश करें, उनको ये सुकून हो मेरे बीवी बच्चों तक खाना पहुँच गया किसी भी जरिए से।